को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजातरीन खबरें। नवी मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है एवं अगर रोज के बढ़ रहे आंकड़ों पर नजर दौड़ाए तो ये बात सामने आती है कि अत्यावश्यक सेवा के सिलसिले में मुंबई सफर करने वाले लोग एवं एपीएमसी बाजार में कार्यरत व्यापारी एवं कर्मचारियों में कोरोना संक्रमण अधिक बढ़ रहा है। नवी मुंबई से मुंबई सफर करने वाले लोगों का रहने का इंतजाम मुंबई में किया जाए, ऐसी मांग महापौर एवं आयुक्त द्वारा की गई थी। साथ ही मुंबई से नवी मुंबई काम के सिलसिले में आने वाले लोगों के रहने की व्यवस्था नवी मुंबई में की गई है एवं उस दिशा में प्रयास शुरू किए गए हैं। इसी की जानकारी पालिका आयुक्त अन्ना साहेब मिसाल ने दी। नवी मुंबई महापालिकेने महापालिकेचे जे कर्मचारी जे नवी मुंबई क्षेत्राच्या बाहेर राहतात, ठाणे किंवा मुंबई या ठिकाणी असे जवळपास 5-10% लोक, म्हणजे जवळपास 250 लोक असे असतील की जे नवी मुंबईमध्ये ते काम करतायत आणि बाहेर ते राहतात क्षेत्राच्या बाहेर, तर यांची राहण्याची व्यवस्था महापालिकेच्या संबंधित विभागाने ताबडतोब करावी असा निर्णय आम्ही मागच्या रविवारीच घेतला होता आणि त्यानुसार सूचना संबंधित विभागाला दिलेल्या होत्या। त्याचबरोबर आज महापौर महोदयांनी सुद्धा ही सूचना केलेली आहे, त्यामुळे ते ऑलरेडी आम्ही काम सुरू केलेलं आहे। बता दें कि एपीएमसी में कार्यरत लोगों के चलते शहर में कोरोना मरीजों के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए एपीएमसी मार्केट बंद किया जाए, ऐसी मांग की जा रही है। मगर पालिका आयुक्त अन्ना साहेब मिसाल ने कहा कि एपीएमसी मार्केट से अत्यावश्यक चीजों की पूर्ति एमएमआर क्षेत्र में की जाती है, इसलिए ये मार्केट शुरू रखना आवश्यक है, मगर वहाँ पालिका उचित खबरदारियाँ ले रही है, ऐसा भी उन्होंने कहा। पुढील कालावधीमध्ये विशेषतः एपीएमसी आणि मुंबईकडून जे लोक जाणं येणं करतायत याच्यामुळे ही संख्या आपल्याकडे वाढते, हे वस्तुस्थिती जरी असली तरी एपीएमसी या ठिकाणाहून अत्यावश्यक वस्तू ह्या सर्व एमएमआर एरियात जात असतात, त्यामुळे ती चालू ठेवणं आवश्यक आहे। त्या ठिकाणी सर्व ती उपाययोजना महापालिकेतर्फे जी करणं अपेक्षित आहे ते आपण करतो आहे। त्या ठिकाणच्या इतर व्यापाऱ्यांची सुद्धा पडताळणी करण्याचं आम्ही सूचना त्या ठिकाणी केलेली आहे। ब्युरो रिपोर्ट, एनएमटीव्ही न्यूज।